25 करोड़ की मदद करने के बाद एक बार फिर दिखी खिलाड़ी कुमार की दरिया दली। अक्षय कुमार ने मुंबई पुलिस को थैंक्स कहने के बाद 3 करोड़ की रकम बीएमसी को डोनेट की। कोरोना वायरस से लोगों को बचाने के लिए बॉलीवुड सेलेब्स हर तरफ की कोशिश कर रहे हैं। लोगों को अवेयर कर फाइनेंशियली मदद से लेकर कोरोना वायरस से अफेक्टेड लोगों के लिए स्टार्स ने अपना होटल और ऑफिस देकर भी हेल्प की है। हाल ही में जहां अक्षय कुमार ने 25 करोड़ रुपए पीएम केयर फंड में डोनेट किए थे, तो वहीं अब एक बार फिर अक्षय ने बीएमसी की मदद की है। दरअसल बॉलीवुड के खिलाड़ी कुमार ने बीएमसी की 3 करोड़ रुपए के साथ फाइनेंशियल हेल्प की है। बॉलीवुड रिपोर्टर के सोर्सेज की रिपोर्ट्स के मुताबिक अक्षय कुमार ने डॉक्टर्स के लिए पीपीई यानी पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, मास्क और रैपिड टेस्ट किट खरीदने के लिए रकम डोनेट की है। आपको बता दें कि पीपीई एक ऐसी किट होती है जिसे पहनकर डॉक्टर कोरोना की चपेट में आए मरीजों का इलाज कराते हैं और इसकी मदद से वो खुद को वायरस से प्रोटेक्ट करते हैं। हाल ही में अक्षय कुमार ने कोरोना के खिलाफ जंग में पीएम केयर फंड से जुड़कर 25 करोड़ रुपए की फाइनेंशियल हेल्प की थी। अक्षय ने ट्वीट करते हुए लिखा था, ये वो समय है जब हमारे लिए सिर्फ लोगों की जिंदगी की कीमत है। इसके लिए हम जो कुछ भी कर सकते हैं हमें करना चाहिए। मैं अपनी बचत से नरेंद्र मोदी जी के पीएम केयर फंड में 25 करोड़ रुपए का योगदान करने की प्रतिज्ञा करता हूँ। जान बचाओ, जान है तो जहान है। इतना ही नहीं, अक्षय कुमार ने हाल ही में एक वीडियो शेयर किया है जिसमें वो अपने दोस्त की स्टोरी शेयर करते नजर आ रहे हैं। दरअसल अक्षय के दोस्त मुंबई पुलिस में हैं, जो इस वक्त ऑन ड्यूटी हैं और लगातार कई दिनों से बाहर रहने के चलते अब उन्हें अपनी फैमिली से मिलने में डर लग रहा है। और आयरनी की बात यह है कि हम अपने घर जाने से डर रहे हैं। सारा दिन सड़क पे रहते हैं, इतने लोगों से मिलते हैं, कई बीमारियां अपने घर वालों को ना दे दें, इसलिए हम घर नहीं जाते 10-10 दिन 12-12 दिन। मैं बहुत देर तक सोचता रहा, हमें अंदाज़ा भी नहीं है कि हम सेफ रहें इसके लिए कितने लोग अपनी जान को जोखिम में डालकर हमारे लिए दिन रात काम कर, हमारी पुलिस फोर्स, नगर निगम के वर्कर्स, डॉक्टर्स, नर्सेज, अलग अलग एनजीओ के वॉलंटियर्स, हमारे सरकार के लोग, राशन वाले, सब्जी वाले, दूध वाले, बिल्डिंग का जो वॉचमैन है वो भी, और भी ऐसे कई ज़रूरी काम करने वाले बहुत से लोग हैं। मैं समझता हूँ एक पूरी आर्मी है जो 24 घंटे काम कर रही है। साथ ही अक्षय ने एक पोस्ट शेयर किया है जिसमें मुंबई पुलिस को अक्षय ने दिल से थैंक्स भी कहा है। अक्षय के अलावा बॉलीवुड एक्ट्रेस रवीना टंडन ने भी एक वीडियो शेयर किया है जिसमें उन्होंने भी पुलिस के काम को अप्रिशिएट किया है। धन्यवाद देना चाहती हूँ, वो खुद अपनी जाने जोखिम में डाल के हमारी सुरक्षा के लिए दिन रात पहरा दे रहे हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद और हमारी प्रार्थनाएं और प्यार आपके साथ सदा रहे। नमस्कार। सोनाक्षी सिन्हा, भूमि पंडेकर, बिपाशा बासु, डायना, मौनी रॉय और करिश्मा कपूर ने भी वीडियो और पिक्चर के साथ पुलिस को दिल से थैंक्स कहा है। डेडली कोरोना के चलते पूरा देश लॉकडाउन में है, ऐसे में पुलिस लोगों को घरों में सुरक्षित रखने के लिए दिन रात काम कर रही है। उनकी मेहनत और लगन को देखते हुए तमाम स्टार्स ने उन्हें शुक्रिया अदा किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, E24। आलिया के ट्वीट पर आया मुंबई पुलिस का रिएक्शन। मुंबई पुलिस के यूनिक रिप्लाई ने ग्रैब की सभी की अटेंशन। कोरोना वायरस के कारण पूरे देश में 21 दिन का लॉकडाउन लगा है, जो कभी भी बढ़ाया भी जा सकता है। ऐसे में लोगों को घर से बाहर निकलना बंद है। इस मुश्किल घड़ी में पुलिस दिन रात लोगों की सेफ्टी के लिए काम कर रही है। ऐसे में बॉलीवुड एक्ट्रेस आलिया भट्ट ने मुंबई पुलिस की तारीफ करते हुए ट्वीट किया है। लॉकडाउन के दौरान जिम्मेदारियों को निभाने के लिए आलिया ने पुलिस को शुक्रिया अदा किया है। आलिया ने अपने ट्वीट में लिखा है कि मुंबई पुलिस आपका शुक्रिया, प्यार जताने के लिए शब्द कम पड़ जाएंगे। इसके साथ ही फैंस से वो कहती नजर आ रही हैं कि चलिए इन लोगों के लिए घर के अंदर रहते हैं। वैसे आलिया को भी अंदाजा नहीं होगा कि उनके इस ट्वीट का रिप्लाई उन्हें इस तरह मिलेगा। इस पर मुंबई पुलिस ने जवाब में लिखा है, मुंबईकर्स उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग मिस आलिया की इस एडवाइस से राजी करते होंगे। गली में बिना किसी काम के ना निकले और अपनी डियर जिंदगी का सभी लोग ख्याल रखें। इस
इससे पहले अजय देवगन ने मुंबई पुलिस के काम की सराहना करते हुए ट्विटर पर वीडियो शेयर किया था, जिसमें पुलिसकर्मी बता रहे हैं कि अगर उन्हें घर पर रहने का मौका मिलता तो वो क्या करते। अजय देवगन के इस ट्वीट का जवाब भी मुंबई पुलिस ने बड़े ही फिल्मी अंदाज में दिया था। अजय देवगन की पॉपुलर फिल्मों के नाम लेते हुए उन्होंने लिखा था कि डियर सिंघम, हम वही कर रहे हैं जो खाकी को करना चाहिए, जिससे मुंबई को दोबारा वैसे ही देखा जा सके जैसे पहले दिखाई देती थी वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई। डेडली कोरोना के इस बुरे वक्त में भी हमारे हेल्थ केयर सर्विस वाले लोग और पुलिस प्रशासन लगातार अपने काम में लगी हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट E24। घर पर बैठे आपको एंटरटेन करेंगे बी टाउन कलाकार वरुण और कपिल एंटरटेनमेंट का फुल डोज देने के लिए हैं तैयार। कोरोना की वजह से पूरा देश रुक सा गया है। इंडिया में दिन पर दिन कोरोना विक्टिम्स के केस बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे में पूरे देश में इस वक्त लॉकडाउन है। पिछले कई दिनों से घर बैठे लोग बोर हो रहे हैं और वो अपने एंटरटेनमेंट के अलग अलग रास्ते ढूंढ रहे हैं। बॉलीवुड एक्टर वरुण धवन अब आपके एंटरटेनमेंट के लिए हाजिर हैं। जी हाँ, फेमस ऐप फ्लिपकार्ट के थ्रू जूनियर धवन ने कोलैबोरेट किया है। दरअसल 13 अप्रैल से एक नया रियलिटी शो एंटरटेनमेंट नंबर 1 फ्लिपकार्ट लेकर आ रहा है, जिसे वरुण धवन होस्ट करेंगे। ये ऐसा रियलिटी शो होगा जिसमें 13 साल से बड़ा कोई भी घर बैठे हिस्सा ले सकता है। बस लोगों को घर बैठे वीडियो बनाने हैं और ऐप पर जाकर अपलोड कर देने हैं। टिकटॉक की तरह ये ऐप भी काफ़ी सिमिलर है। यहाँ भी वीडियो बनाने के लिए गानों से लेकर डायलॉग्स का ऑप्शन दिया गया है। 8 हफ्तों तक चलने वाले शो में हर हफ्ते एक नया चैलेंज दिया जाएगा। चुने गए लोगों को अलग राउंड में भेजा जाएगा, जिसके अकॉर्डिंग मोस्ट टैलेंटेड एंटरटेनर्स फ्रॉम होम को चूज किया जाएगा। मैं इस अनोखे स्टे एट होम रियलिटी शो का हिस्सा बनकर उत्साहित हूँ। फ्लिपकार्ट का एफर्ट तारीफ के काबिल है। इस शो के जरिए हम लाखों इंडियन लोगों को एंटरटेन तो करेंगे ही, साथ ही लोगों के अंदर पॉजिटिविटी भी लाएंगे। वैसे वरुण के अलावा फेमस कॉमेडियन कपिल शर्मा भी फैंस को एंटरटेन करने के लिए तैयार हैं। दरअसल पिछले कई दिनों से द कपिल शर्मा शो बंद है और इसकी वजह तो आप जानते ही हैं। एक जगह पर कई लोगों की गैदरिंग करना इस वक्त देश के हालातों के खिलाफ है और कपिल के शो में तो काफी भीड़ होती है, लेकिन अब मेकर्स ने शो को बिना लाइव ऑडियंस के साथ शूट करने का फैसला किया है। अब कपिल आपको घर से ही एंटरटेन करेंगे। कपिल खुद एक फनी इंसान है और उन्हें अपने ह्यूमर को शो करने के लिए किसी प्लेटफॉर्म की जरूरत बिल्कुल नहीं है। वेल, अब इंतजार है कपिल और वरुण के साथ एंटरटेन के न्यू फंडे को एक्सप्लोर करने का। द रिपोर्ट E24। माय लव के साथ पत्तों का ब्रेकफास्ट करते नजर आए सलमान। पनवेल के फार्म हाउस में ही क्वारंटीन हो गए हैं भाईजान। बॉलीवुड के भाईजान यानी सलमान खान लॉकडाउन के बीच भी लगातार सोशल मीडिया पर एक्टिव नजर आ रहे हैं। वो अक्सर अपनी फोटो और वीडियोस शेयर कर फैंस को अपनी मौजूदगी का एहसास करवा रहे हैं। लेकिन हाल ही में सलमान खान ने एक वीडियो शेयर किया है जो काफी इंटरेस्टिंग भी है। दरअसल इस वीडियो में सलमान खान अपने हॉर्स के साथ पत्तों का नाश्ता करते नजर आ रहे हैं। भाईजान का ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। सलमान खान ने इस वीडियो को शेयर करते हुए लिखा है, माय लव के साथ नाश्ता करते हुए। वीडियो में सलमान पहले खुद पत्ते खाते नजर आ रहे हैं, इसके बाद अपने साथ खड़े घोड़े को खिला रहे हैं। इस वीडियो में सलमान खान का अंदाज देखने लायक है। बता दें कि सेल्फ आइसोलेशन में रहते हुए भी सलमान खान अपने फैंस को कोरोना वायरस पर अवेयर करने का कोई मौका नहीं छोड़ रहे हैं। वैसे आपको बता दें, सलमान खान एनिमल्स से काफ़ी ज़्यादा प्यार करते हैं। वो अपने डॉग्स के काफ़ी क्लोज हैं और उनके पास एक डॉग भी था जिसका नाम उन्होंने माय लव रखा हुआ था, लेकिन अब उनकी डेथ हो चुकी है। कुछ दिनों पहले सलमान ने अपना एक वीडियो भी शेयर किया था, जिसमें उन्होंने बताया था कि वो अपने पिता सलीम खान से करीब 3 हफ्तों से नहीं मिले हैं। बावजूद इसके वो लॉकडाउन नहीं तोड़ रहे हैं और जहाँ थे वहीं लॉक हो गए हैं। तो निर्वाण सोहेल के साहबजादे हैं, सोहेल के बेटे हैं। इन्होंने अपने फादर को कब से नहीं देखा? 3 हफ्ते तो हो गए। मैंने अपने फादर को 3 हफ्ते से नहीं देखा, क्योंकि हम लोग यहाँ पर हैं, हमारे फादर अकेले घर पर हैं। डू रिमेम्बर द डायलॉग, जो डर गया समझो मर गया। वो यहाँ पर अप्लाई नहीं करता। हम लोग डर गए और
बड़ी बहादुरी से कह रहे हैं कि हम लोग डर गए। आप ज्यादा ब्रेव मत बनो, क्योंकि इसमें यू थिंक एनी पॉइंट इन बीइंग ब्रेव इन दिस? नो, आई थिंक इट्स बेटर फॉर एवरीवन टू स्टे होम, अवॉइड कॉन्टैक्ट, एंड आई थिंक द लॉन्गर वी स्टे इनडोर्स द फास्टर दिस एंड्स। जी, तो जो डायलॉग था, जो डर गया समझो मर गया, वो यहाँ पर अप्लाई नहीं करता है। जो डर गया समझो बच गया। सलमान अपने फैंस से भी यही अपील की थी कि वो घर पर ही रहे और बाहर ना जाएं। अब सलमान खान ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर कुछ तस्वीरें भी शेयर की हैं। ये तस्वीरें खाली पड़ी सड़कों की हैं, जहां लोग अपने घरों से बाहर नहीं निकल रहे हैं। शबे बारात के मौके पर भी लोग घर से बाहर नहीं निकले। ऐसे में उन्होंने लोगों के पेशेंस की तारीफ की है। भाईजान ने दो तस्वीरें शेयर की हैं। एक तस्वीर कब्रिस्तान के बाहर की है, जिसमें कोई भी शख्स नजर नहीं आ रहा है। दूसरी तस्वीर एक सड़क की है, जो पूरी तरह खाली नजर आ रही है। इन पिक्चर्स को शेयर करते हुए सलमान खान ने कैप्शन में लिखा है, वाह, देश के इन हालातों को समझने और बात मानने के लिए शुक्रिया। ईश्वर आप सभी को स्वस्थ रखे। भारत कोरोना से लड़ेगा। वल घर से दूर रहकर सलमान पीएम के फैसले को सपोर्ट कर रही हैं और अपने सभी फैंस से भी रूल्स फॉलो करने की गुजारिश कर रही हैं। हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं E24 और आज मेरे साथ बॉलीवुड के एक बहुत खास शख्स जुड़े हैं। इनको आप एक्टर कह लीजिए, प्रोड्यूसर कह लीजिए, हर चीज में माहिर रहेंगे। और मेरे साथ हैं जैकी भगनानी। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। शुक्रिया शुक्रिया, थैंक यू सो मच। जैकी, सबसे पहले पूछना चाहूंगी, फैमिली शायद लंदन में है आपकी? हाँ जी, मेरी फैमिली मॉम डैड वहाँ लॉकडाउन से पहले थे, तो वहाँ ही फंस गए और घर है लेकिन वहाँ पे ही है, क्वारंटीन है। मैं अकेला हूँ इधर मुंबई में और मेरी जो बहन है वो लातूर में है। हाँ। ब्रदर इन लॉ के साथ, तो हम सब अलग 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 जगह फंसे हुए हैं और क्वारंटीन है। मुश्किल है लेकिन आई थिंक दैट्स द मोस्ट रिस्पॉन्सिबल थिंग टू डू, कि जो जहाँ है वहीं रहे, सेफ रहे और रिस्पॉन्सिबल रहे। अच्छा, तो कैसे घर पे काम कैसे कर रहे हैं आप? खुद कर रहे हैं काम, खाना बना रहे? मैं कभी कभार खुद बना लेता हूँ। मेरे घर पे एक लड़का है धर्मिंदर। अच्छा। जो काफी साल से साथ में है, तो वो है और मैं हूँ बस, और दो तीन जनी है, बाकी घर अकेला है, तो खुद ही काम करना पड़ता है, खुद ही साफ सफाई कभी कभार करनी पड़ती है, खुद ही चीजें करना पड़ता है, तो आई गेस ये सब सभी कर रहे हैं। अच्छा, आप क्या बना लेते हैं? मैं कभी डोसे बना लेता हूँ, कभी सैंडविचेस बन लेता हूँ, कभी ऑमलेट बना लेता हूँ, सब्जी बना लेता हूँ, दाल बना लेता हूँ। तो ये पूछती हूँ, क्या नहीं बना पाते हैं? नहीं, एकदम मतलब प्रोफेशनल चीजें नहीं बना पाता हूँ, बेसिक पौष्टिक खाना बना लेता हूँ। तो परफेक्ट हस्बैंड के लिए मेरे ख्याल से जैकी बिल्कुल सही चॉइस होने वाले हैं। मैं तैयार हूँ, मेरा सीवी आप भेज दीजिए। अच्छा, ये जो आपका गाना आया है मुस्कुराएगा इंडिया, आपका क्या हमारा सबका जो गाना आया है, बहुत पसंद करता रहा। और मैं आपको एक काटना चाहूंगा जी, मैं आपको काटना चाहूंगा, बिकॉज ये जो आपने बात कही ना कि आपका क्या हम सबका, राइट, मैं यही सुनना चाहता था, यही सुनना चाहता था। और ये आप पहली शख्स है जिन्होंने ये कहा और मुझे बहुत अच्छा लगा, बिकॉज ये वाकई बात सही है कि ये हमारा नहीं गाना है। बिल्कुल, सब मैं एक जरिया हूँ शायद, ये गाना सबके लिए है और वही हम सब चाहते थे, तो आई एम वेरी वेरी हैप्पी टू। अच्छा जैकी, आप ये बताइए, ये गाना मतलब आपने और अक्षय ने मिलकर स्टार्ट किया था, इसकी शुरुआत आपने करी है दोनों ने? हाँ जी, ये बात सही है। और जैसे ये गाना बन के आया, मैंने अक्षय सर के साथ शेयर किया और वो इतने सीनियर हैं, वो हर बार आगे बढ़कर यू नो लोगों की मदद करते हैं, हेल्प करते हैं। और उन्होंने कि मुझे बेटा बुलाते हैं, मुझे उन्होंने कहा बेटा करते हैं, ये बहुत अच्छी चीज़ है और लोगों को स्माइल ला के देगी और जो भी इससे पैसे आएंगे हम इसको करेंगे। वहाँ से शुरुआत हुई और हम सब फोन लगाना शुरू किया। और मैं आपको कहना चाहूँ, हमारी फ्रेटर्निटी एक भी ऐसा शख्स नहीं है जो आप वीडियो में देख रहे हैं जिन्होंने मेरे से क्वेश्चन पूछा कि ये कैसे होगा, क्या होगा। मुझे इतना पूछा कि ये इनिशिएटिव है ना, इससे लोगों की मदद होगी और हम लोगों के चेहरों पे हंसी लाएंगे। मैंने कहा हाँ, उन्होंने बोला प्लीज बता दीजिए, और आधे घंटे के अंदर सबका वीडियो आ गया। अच्छा, जैसे पीएम नरेंद्र मोदी ने भी, हमारे पीएम ने भी इसको सपोर्ट किया इस गाने को, और फिल्म फ्रेटर्निटी को बहुत सल्यूट किया इस चीज के लिए कि अपने घरों से ही आप कम से कम ये सब करें और लोगों को मोटिवेट करें। तो जब आपको ने ट्वीट देखा, आपको कितनी शांति लगी कि हाँ ये और लोगों तक फैलेगा, ये पहुंचेगा?
ये जब मैं सुबह उठा अगले दिन, जब लॉन्च किया हमने उसके अगले दिन, तो मेरी मम्मी ने मुझे फ़ोन किया यार, मम्मी ने इसके बारे में ट्वीट किया और मैं इतना खुश हुआ कि मैं खुशी से फूले नहीं समा पा रहा था। मुझे लग रहा था यार चलो अच्छी बात है, हम सब ने मिलके कुछ किया और ये घर घर तक पहुँचेगा और वही हम चाहते थे और कुछ नहीं। जैसे इसलिए मैंने कहा कि जब आपने कहा कि आपका क्या है हम सबका गाना है, मुझे वो सुनकर बहुत बहुत अच्छा लगा, बिकॉज ये जस्ट म्यूजिक जैसे मैंने कहा वो तो एक जरिया है खाली, बिल्कुल ये पूरा इंटेंशन ये था कि जो भी इंसान घर पे बैठा हो वो इस गाने को देखे और बोले नहीं यार करेंगे हम, आइसोलेशन करेंगे हम, लॉकडाउन में रहेंगे हम, अच्छी से रहेंगे ताकि हम जल्द बाहर आ सके। जैकी एक चीज और जानना चाहूंगी, फैंस कुली नंबर वन के लिए भी बहुत परेशान हो रहे हैं, कंटिन्यू अभी तक ये था 1 मई को रिलीज होगी, लेकिन फिलहाल जो वक्त चल रहा है उसको लेके खैर पूरा देश परेशान है, लेकिन आप क्या बताना चाहेंगे, क्या अपडेट देना चाहेंगे कुली नंबर वन? आई थिंक वो थोड़ा सा अपडेट अभी तो मैं नहीं दे पाऊंगा बिकॉज हम सब लॉकडाउन के लिए रुके हुए हैं, लॉकडाउन 15 अप्रैल को होने वाला है, उसके बाद आई थिंक सब लोग इंटरनली जो डिसाइडिंग फैक्टर्स हैं वो सब मिलके डिसाइड करेंगे। और यस ये मुझे मालूम है और ये मैं सबके बिहाफ में कह सकता हूँ, जो भी कुली नंबर वन से रिलेटेड है कि हम ज़रूर लोगों को हंसाना चाहते हैं, लोगों के फेस पे स्माइल लाना चाहते हैं, बट nothing and nothing is more important to us than anyone's health and security. So, वो 15 अप्रैल के बाद ही actually समझ में आएगा exactly दुनिया कहाँ जा रही है accordingly वो decision ले पाएंगे। अच्छा ये जो promotion का ये नया तरीका है लोगों से बात करने का, interact करने का, अपनी बात पहुँचाने का, इस अनुभव को आप कैसे ले रहे हैं, मतलब कितना different है? एक तो बहुत ही, और जैसे आप लोग को आदत है चकाचौंध फिल्मी दुनिया और स्टूडियोज की सैर करना, लास्ट टाइम आप मित्रों के लिए आए थे कृतिका के साथ, मैंने और आपने डांस भी किया था इस सॉन्ग पे, मुझे याद है इसकी, तो ये सब मिसिंग है इस वक्त, बट कितना सुकून पा रहे हैं हम बैठ के इस वक्त? क्या है कि ये रियल है, ये जो आप देख रहे हैं ये मैं हूँ घर पे, ऐसा लगता हूँ यू नो, कोई चकाचौंध नहीं, कोई मेकअप विकअप नहीं, कुछ नहीं, और कहीं ना कहीं अच्छा भी लगता है, बिकॉज देखिए क्या है कि एक पॉइंट के बाद हर इंसान को लगता है कि यार जो है वही है, इस पर कुछ एक बनावटी इसके ऊपर नहीं है, तो हर चीज़ का एक एडवांटेज है एक डिसएडवांटेज है, तो मैं हमेशा हर चीज़ को ग्लास को आधा फुल देखता हूँ ना कि हाफ एम्प्टी। जय हिंद।